पहले तो सबसे पहले मैं जितने भी मेरे से जुड़े हैं भाई लोग सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं भगवान से यही दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि जितने लोग हैं सबका वीज़ा लगे और भगवान सबको खुश रखे हमेशा, और उनकी फैमिली को भी हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से। तो दोस्तों, मैं आज वीडियो में बनाया हूँ कि बहुत से लोग जो हैं मतलब मेरे पर सवाल उठाते हैं कि आप गारंटी क्या दोगे अगर से लीगल लाइफ में अप्लाई करने का। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे थ्रू जो बंदे अप्लाई किए थे लीगल लाइफ से, तो उनसे मैंने वीडियो मांगा है, तो वो डालने के लिए मैं सोचा कि उनसे जिनका वर्क परमिट आ चुका है उससे, और वो बहुत से लोग बोलते हैं ये जेन्युइन है कि नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो उनकी मंगा के और डाल दूं, और लोगों को विश्वास भी हो कि हाँ जेन्युइन है वो बंदा लीगल लाइव वाला। और मैं भी बोलता हूँ भाई देखो, गारंटी लेके मैं बोलता हूँ, मैं ऐसे ही नहीं उसको बताया, क्योंकि एक तो सेकंड फर्स्ट थिंग ये है कि अगर से आप कहीं भी जाओगे किसी भी एजेंट के पास तो कम से कम 2 से 2.5 लाख तो लेगा कम से कम, उसके ऊपर तो पता ही है पोलैंड के लिए, तो ये बहुत कम से कम ले रहा है और जेन्युइन काम करके दे रहा है। अगर से 2 महीने बोला तो 2 महीने के अंदर आपको ये दे दे रहा है वर्क परमिट इशू करके। तो इसीलिए मैंने सोचा भाई कि जाहिद भाई मुझे मैंने उनसे बोला था जाहिद भाई आपका वर्क परमिट आ गया है, प्लीज़ छोटा सा वीडियो बनाओ मुझे भेजो। तो उसीलिए मैंने वीडियो बनाया और मैं डाल रहा हूँ, कम से कम आपको पता चले लीगल लाइफ के बारे में मैं सही बोल रहा था कि गलत, और वो बंदा जेन्युइन है, आप टेंशन मत लीजिए भाई, वो बंदा एकदम जेन्युइन है। ठीक है, तो इसी इस प्रकार से ये वीडियो देखिए और आप को विश्वास होगा। अगर से नहीं होता, और मैं ये भी नहीं बोलता आपको कि कंफर्म लीगल लाइफ के पास, अभी भी उसके पास वैकेंसी है लेबर के लिए है, ड्राइवर के लिए है, और आपका पैकिंग जॉब है फैक्ट्री के लिए, वेयर हाउस के लिए उसके पास अवेलेबल है, और वो जल्द से रोमेनिया का भी अप्लाई करने के लिए बोल रहा था कि रोमेनिया का भी वीज़ा इशू करवा, वो वर्क परमिट इशू करा के देगा। तो जो भी भाई अगर से आपको अप्लाई करना है, और उसने मुझे इंडियन का भी अकाउंट दिया है, एक्चुअली वो यूरो अकाउंट दे रहा था, तो उसमें बहुत डिफ़िकल्ट आ रही थी पैसे भेजने में काफ़ी लोगों ने, तो एक दो बंदों का तो मैंने खुद अपने अकाउंट से किया है, मेरे अकाउंट से मैंने इधर से। अब भाई मैं हमेशा यही तो नहीं करता रहूँगा यार, एक दो लोगों के लिए हेल्प की है हमेशा तो नहीं कर, तो मैंने इंडियन अकाउंट, उसका एक एजेंट है उसी के जिस उसको वो वर्क परमिट देता है इंडिया में, तो वो लॉयर है, वो वर्क परमिट उधर देता है मतलब वैकेंसी देता है उधर, तो उसका अकाउंट है, उसने मुझे दिया है, इंडिया का है वो, तो आप उसमें मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली। इसीलिए मैंने सोचा यार थोड़ा वीडियो डाल दूं और लोगों को आसान होगा, तो ये वीडियो देख लीजिए, जाहिद भाई ने अपने मुंह से बोला है कि उनका वर्क परमिट आ गया है, और आप भी देख लीजिए। ठीक है भाई, जो भी डाउट है उसमें क्लियर हो जाएगा, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, मैं किसी को, और सेकंड थिंग, मैं किसी को फोर्स नहीं करता भाई कि इधर अप्लाई करो, आप कहीं भी कर सकते हो, और उसके बाद वर्क परमिट आने के बाद मेरे से कांटेक्ट करें, मैं पूरी फाइल रेडी करा के दूंगा, मदद करूंगा,
और जो जो भी डॉक्यूमेंट है क्या क्या है सारे, मैं किसी को भटकने की ज़रूरत नहीं, कोई अपॉइंटमेंट के लिए सब मैं अरेंज करवा के दूंगा भाई, टेंशन मत लेना ठीक है। जब तक डी के भाई है टेंशन नॉट, किसी भी इंफॉर्मेशन लेना मुझे व्हाट्सएप में करो, इन्फॉर्मेशन लेना है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करना, मेरा नंबर रहेगा व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक आईडी रहेगा ठीक है भाई। और इंस्टाग्राम में मैंने डाल रखा है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे कैसे भरना है, आप जाके देख सकते हैं। ओके भाई, जय हिंद जय भारत, और आपको सब लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं, आपको और आपकी फैमिली को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम जैद है, मैं इंडिया से हूँ, महाराष्ट्र से, और ओमान में जॉब करता हूँ। आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले, मीन्स 45 डेज पहले, मैंने पोलैंड वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया था डीके भाई के ज़रिए। उस वक्त डीके भाई इंडिया में मौजूद थे। इसके पहले मैं यहाँ से एजेंसी थ्रू करने वाला था, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने एजेंसी में सबसे पहले एडवांस कुछ अमाउंट जमा की, लेकिन उसके बाद तकरीबन 9 महीने हो चुके हैं, ना उनका ऑफ़र लेटर आया, ना कोई मतलब जॉब के बारे में कोई वहाँ से कंफर्मेशन नहीं आया। एजेंसी वालों ने उसका पैसा तकरीबन एडवांस में जो पेमेंट था तकरीबन इंडिया का 1 लाख रुपए तक ले चुके हैं। इन लोगों का काम ही यही है कि पहले एडवांस ले लेते हैं, बाद में कुछ ये लोग के पास जॉब वॉब रहता नहीं है और हम लोग इनके पीछे जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। एजेंट लोगों का काम यही है, सिर्फ पैसे ऐंठना। तो मैंने इसी बिना पर, जब मैंने डीके भाई का यूट्यूब चैनल फॉलो किया था, उस वक्त से उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, और उसी वक्त मैंने देखा था, थोड़ा मुझे डाउट भी हुआ कि पता नहीं सही है नहीं है, लेकिन मैं तकरीबन 1 साल से उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने उनके थ्रू, जो पोलैंड में लीगल लाइफ इमिग्रेशन लॉयर है, उसके थ्रू मैंने किया था तकरीबन 45 डेज पहले अप्लाई किया था। और जैसे ही मैंने अप्लाई किया था, मुझे दूसरे ही दिन जॉब ऑफर लेटर आ गया, और उसके तकरीबन 1 हफ्ते बाद जो पोलैंड अथॉरिटी में जो जॉब ऑफर के लिए अप्लाई करते हैं, उसकी सबमिशन स्लिप भी मुझे वहाँ से तकरीबन 1 हफ्ते के दरमियान में आ गई, और कल ही मुझे मेरा जॉब ऑफर लेटर, यानी ये मेरा वर्क परमिट जो है वो कल ही इश्यू हुआ है। कल मुझे वहाँ से स्कैन करके सारी जो डॉक्यूमेंट थे, मुझे सारे डॉक्यूमेंट मिस्टर पॉलो, जो लीगल लाइफ जिसके ज़रिए मेरा डीके भाई ने करवाया, वहाँ से मुझे स्कैन करके कल सारे डॉक्यूमेंट भेजा। उसमें हर चीज़, गारंटी लेटर, अकोमोडेशन प्रूफ, कंपनी का टैक्सेस, जो कंपनी जो टैक्स भरती है उसका डॉक्यूमेंट, और गारंटी लेटर, वो सारा हर चीज़ मुझे स्कैन करके कल भेजा है वहाँ से, पोलैंड से। और नेक्स्ट वीक में मेरे हाथों में ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, और उसके बाद में मैं इंशाल्लाह अप्लाई करूँगा वर्क वीज़ा के लिए मुंबई से, क्योंकि यहाँ ओमान में इनकी एम्बेसी नहीं है। तो मैं सभी दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर पोलैंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो एजेंटों के बहका झांसे में ना जाए,
क्योंकि ये लोग आपसे 5 लाख 6 लाख 7 लाख वही अमाउंट लेंगे और आपका काम होगा नहीं। तो बेहतर है आप डीके भाई के ज़रिए काम करवाइए, आपका बेहतर ही होगा काम, और जो भी होगा एकदम जेन्यून काम होगा। बंदा बहुत ही बेहतर है, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतर है, और आपको रिस्पांस भी, जैसे ही आप कोई चीज़ के बारे में पूछोगे तो आपको बहुत ही जल्दी उसका रिस्पांस देते हैं। तो आप सभी दोस्तों से मेरी यही गुजारिश है कि आप जब भी पोलैंड वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे तो डीके भाई के ज़रिए करवाइएगा, इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर इस वीडियो में कुछ गलती हो गई होगी तो, क्योंकि मैं पहली मर्तबा ही ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके पहले मैंने कभी कोई वीडियो YouTube पे नहीं बनाया है और ना ही मैं कोई यूट्यूबर हूँ, जस्ट मैंने आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। शुक्रिया, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।